3 आने के बाद हॉलीवुड को यह बात पता चली कि अगर उसे लोगों को थिएटर्स तक लाना है तो उसे लोगों को ऐसी चीजें दिखानी होगी जिसे देखने के बाद लोगों को लगे कि हाँ उन्होंने कुछ तो देखा, क्योंकि ओटीटी आने के बाद लोगों के रेंज और टाइप काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो एज हॉलीवुड, तो ये रहे इस साल के टॉप 10 हॉलीवुड की ऐसी मूवी जिन्होंने हमें पूरा का पूरा मजा दिया। अपने कोर हॉरर के लिए जाने जाने वाली मूवी जिसमें लगभग 650 लीटर के ब्लड का यूज किया गया है और एक ऐसी माँ जो की इस तरीके से पजेस हो गई है कि अपने ही बच्चे और बहन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। 1 घंटे 36 मिनट की एविल डेड राइज मूवी इस तरीके से जंप स्केयर का यूज किया गया है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और जो कि इस मूवी के सेटअप किए गए हैं मूवी के जो बारीक बारीक से ये सभी चीजें हमको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मूवी की एंडिंग थोड़ी ओवरवेलमिंग लगी, वरना बाकी की मूवी टॉप क्लास है। एप्पल प्लस टीवी पर अवेलेबल एविल डेड राइज वन टाइम मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स के सबसे सक्सेसफुल एक्शन मूवी का सिक्वल, लेकिन इस बार बस एक लड़का नहीं बल्कि पूरे के पूरे फैमिली को बचाना है, वो भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ लड़ते हुए। नॉन स्टॉप एक्शन से भरी हुई 2 घंटे लंबी एक्सट्रैक्शन 2 ये मूवी सुशांत सिंह से ही आपको एक्शन के मामले पूरा का पूरा एंगेज कर देती है, और इसके फर्स्ट हाफ में तो लगभग 21 मिनट का लंबा वन टेक एक्शन सीक्वेंस बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो जो जेल का फाइट सीन है वो तो एकदम टॉप क्लास है, और इन सभी चीजों के चलते मूवी एक्शन के मामले में तो हमें पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर देती है। लेकिन फर्स्ट पार्ट जैसा ये मूवी हमें इमोशनली ज्यादा हिट नहीं होती, लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ ने जिस तरीके से टाइलर को प्ले किया है वो एकदम टॉप क्लास है। तो टॉप क्लास हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स अवेलेबल है एक्सट्रैक्शन 2, दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम जिसे अमेरिकन बंदे ने रशिया से चुरा के पूरे वर्ल्ड को दे दिया। 2 स्टोरी पे बेस्ड बायोग्राफिकल ड्रामा टेट्रिस मूवी की कहानी और उसका स्क्रीन प्ले मूवी के पिलर से और इसकी सेटिंग आपको फील करा देगी कि ये मूवी लगभग 30-40 साल पुरानी है, और मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक आपको काफी ज्यादा एक्साइटेड और कनेक्टेड फील करा देगी। ये 2 घंटे लंबी है, लेकिन इसमें थोड़ा वॉइस ओवर का यूज थोड़ा ज्यादा किया गया है, वरना ये मूवी बाकी की पूरी टॉप क्लास है। एप्पल प्लस रिव्यू पे मिल जाएगी। 2 घंटे 40 मिनट की ड्रंकन एंड ड्रैगन की फैंटेसी दुनिया आपको बांधे रखेगी। एक ऐसी VFX हैवी मूवी जिसके VFX काफी ज्यादा तगड़े हैं। हाँ, मूवी के फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर बिल्डिंग है, लेकिन उसमें भी जो छोटे छोटे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं वो काफी तगड़े लगते हैं, और हीरो को अपनी बेटी को विलन के चंगुल से बचाना है, और इस मूवी में वो सभी चीजें हैं जो कि परफेक्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी में होनी चाहिए। Amazon Prime पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी डबिंग के साथ। क्या आपको पता है कि आज भी एयर जॉर्डन शूज लाखों में क्यों बिकते हैं? तो स्पोर्ट्स के इतिहास की ऐसी पार्टनरशिप जिसने रिवॉल्यूशन लाई और इसका इंपैक्ट हम आज भी देखने को मिल जाता है। 1 घंटे 15 मिनट की एयर ये मूवी 1988 टाइम की स्पोर्ट्स फुटवेयर कंपनी नाइकी और एडिडास की राइवलरी, माइकल जॉर्डन के साथ लाइफ टाइम एयर जॉर्डन की पार्टनरशिप, सब कुछ है इस मूवी में। और इस मूवी का जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, या फिर इसकी जो मार्केटिंग स्किल है, या फिर इसमें जो मैट डेमन की एक्टिंग हमें देखने को मिल जाती है, ये सभी चीजें ये मूवी देखने के बाद हमें वो फील गुड वाला एक्सपीरियंस दे जाती है। अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है, वो भी प्रॉपर हिंदी डबिंग के साथ। तो इस साल की 1.3 बिलियन की कमाई करने वाली दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एडेप्टेड वीडियो गेम की मूवी, ऐसा ही मूवी जिसे खेलते हैं हमारा पूरा बचपन निकल गया है, यानी कि द सुपर मारियो ब्रदर्स। और अगर तुमने इस गेम को खेला है तो तुम्हें ये मूवी जो नॉस्टैल्जिया हिट करवाती है वो काफी तगड़ा लग जाता है। और सबसे अच्छी इस मूवी की बात कि ये मूवी बस 1 घंटा और 30 मिनट की है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती, और इस मूवी का पूरा एनिमेशन गेम जैसा ही रखा गया है, जिसके चलते ये मूवी देखते हो आपको ऐसा फील हो जाता है कि मैं अभी भी ये गेम ही खेल रहा हूँ। Amazon Prime पे अवेलेबल है, वो भी पूरी की पूरी हिंदी डबिंग के साथ। अपने दिल की सुने या फिर दिमाग की, इसके बीच में फंसा हुआ माइज जो कि आता तो है मदद करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाता है। 2 घंटे 16 मिनट की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ये मूवी, जिसमें अपना रहे इंडियन स्पाइडरमैन के साथ साथ ही ये पूरी का पूरे मूवी का जो एनिमेशन है वो एकदम कड़क है, लेकिन इस मूवी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है जिसके चलते ये मूवी थोड़ी लंबी फील हो जाती है। और अगर इसे देखना चाहते हो तो इसका फर्स्ट हाफ तुम्हें देखना तो मैंडेटरी है। बाकी देशों से पहले दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक बॉम्ब बनाना है, और ये बॉम्ब बनाते वक्त खुद के सर से डिस्ट्रॉय का टैग भी हटाना है, और क्या ऐसे भी चीज़ें ओपनहाइमर कर पाएगा? तो ओपनहाइमर ये मूवी देखते हुए आपको एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि ये मूवी सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एटम बॉम्ब के लिए मूवी देखना चाहते हो तो तुम्हें शायद ये मूवी अलग फील हो सकती है, लेकिन फिर सब अलग डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको इस मूवी से बांधे रखते हैं, और ऊपर से इसमें जो तगड़े तगड़े एक्टर्स का यूज किया गया है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए काफ़ी अच्छा फील हो जाता है, लेकिन इसमें बस एक एडल्ट सीन है।
एआई की सुपर पावर अगर किसके हाथ लगे तो पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ सकती है, और अगर इथन हंट को उसे रोकना है तो उसके काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एक्शन एडवेंचर मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1। एक्चुअली में ये मूवी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली थी, जिसके चलते इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा लेंदी और काफी सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ फील होगा, लेकिन इसके बीच में टॉम क्रूज के जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनका उसको प्रैक्टिकली करने का जो पैशन इसमें झलकता है, और इस बीच इसमें एक नया कैरेक्टर भी ऐड हुआ है और हेली एटविल ने उसे जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है वो एकदम टॉप क्लास है। 2 घंटे 43 मिनट की ये मूवी है जो आपको ज़रा भी बोर फील नहीं करती। साल के स्टार्ट से ही हॉलीवुड को काफी सारा बैकस्लैश मिल रहा था एक्शन के मामले में, तो हॉलीवुड को बचाने के लिए सामने आए बाबा यागा यानी कि अपने जॉन विक। इसके एक्शन सीक्वेंस देखने को और किसी दूसरी मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस तो पसंद ही नहीं आती, और इसमें हम सिर्फ जॉन की फ्रीडम को नहीं बल्कि चैंग के बेटे के लिए भी हमें फील हो जाता है, और जिस तरीके से इस मूवी में अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं वो काफ़ी सारा मजा देते हैं, और इसके साथ साथ इसमें वो जो सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी का हमें जो फील करा दिया जाता है वो एकदम टॉप क्लास है, और इस मूवी के बाद हमारे लिए जॉन विक बस एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन बन जाते हैं, और नो डाउट ये इस साल की सबसे बढ़िया एक्शन मूवी थी। और इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपने इनमें से कौन सी भी मूवीज देखे तुम्हें कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके साथ साथ ही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगे तो इसे और भी आगे तक फॉलो करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं तो मेरी ये वीडियो चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजेटीवी।